हेलो दोस्तों, ऐप अड्डा की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टी बोर्ड एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है, क्या काम में आने वाली है, सभी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। टी बोर्ड एप्लीकेशन दोस्तों कीबोर्ड एप्लीकेशन है, बहुत ही अमेजिंग एकदम फैंसी कीबोर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको टाइपिंग कीबोर्ड मिल जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं, बिल्कुल वर्क विथ एवरी एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। ट्रेंडिंग GIF मिल जाते हैं, क्लिक टू स्पीक यानी कि माइक से यहाँ पर आप बोल करके ऑटोमेटिक आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद वॉइस टाइपिंग आपको मिल जाती है। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ। तो इस एप्लीकेशन को पूरा सही से यूज़ करने का तरीका, कैसे आप इस एप्लीकेशन की सेटिंग करोगे, सभी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टी बोर्ड एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखा देना एप्लीकेशन को, पूरा यहाँ पर आपको प्रॉपरली ओपन होने देना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ कैसा यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखा देगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पर आपको वेलकम टू टी बोर्ड फंक्शन इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक टू ऑटोमेटिकली मेक साउंड यहाँ पर आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आ जाता है, नीचे की तरफ आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखा देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल का ऑप्शन मिल जाता है इस एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ से आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। फिर अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं सेट डिफॉल्ट इनपुट मेथड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखा देंगे। यहाँ पर आपको मीडिया वॉल्यूम का यहाँ पर आपको बता रहा है, इनपुट हाउ टू इनपुट मेथड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो मीडिया वॉल्यूम को यहाँ पर आपको इनेबल कर लेना है। सेट डिफॉल्ट वॉल्यूम कीबोर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से दोस्तों एप्लीकेशन को आपको परमिशन दे देनी है। यहाँ पर आपको टैप करने का बोल रहा है, यहाँ से टैप करना है नीचे की तरफ, यहाँ से आपको इसे परमिशन दे देनी है। यहाँ से इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कीबोर्ड ऑप्शन मिल रहा है, इस पर भी आपको परमिशन दे देनी है। ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। पहला यहाँ पर आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो रहता है देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इसे परमिशन दे देनी है। कीबोर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक Gboard आएगा और एक कीबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरा जो अब यहाँ पर आपको गो टू सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने लगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है। तो यहाँ से मैं इसे नीचे की तरफ आ जाता हूँ, एक डाउनलोड एप्लीकेशन आएगा उसमें आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको कीबोर्ड क्लिक टू रेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से अंदर से परमिशन दे देता हूँ। अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गो इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पूरी जो सेटिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इस एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद अब यहाँ से सभी चीज़ें यहाँ पर आप अपने मोबाइल के अंदर कीबोर्ड को सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरे मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन सेट हो चुका है। यहाँ पर आपको टाइपिंग करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऊपर की तरफ आपको कुछ फॉन्ट से मिल जाती है, उसके नीचे यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाती है, जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो लैंग्वेज मिल जाती है। यहाँ से आपको क्लिक टू स्पीक, स्पीक करके यहाँ पर आप इजीली बोल सकते हो। बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्लियर एप्लीकेशन है दोस्तों। स्पीक करके यहाँ पर आप कुछ भी किसी को भी भेज सकते हो। आपको टाइपिंग करने की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे आपका यहाँ पर बोलना हो जाएगा एंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ भी भेज सकते हो। यहाँ पर आपको कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है साइड में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आपको फॉन्ट्स मिल जाती है, फॉन्ट्स भी यहाँ पर आपको बहुत ही अलग तरीके की मिल जाती है। यहाँ पर फॉन्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो, देख सकते हैं यहाँ से आप फॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको जो फोन डाउनलोड करने उसके बाद GIF इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे फंक्शन इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का यूज करके कीबोर्ड को सेट कर सकते हो और बिल्कुल अमेजिंग आप अपने बोर्ड्स को बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।